तो अब वो बाजार जाएंगी, एक तो सेल्स का आ गया कॉन्सेप्ट, तो फिर वो दिल मचल जाता है, मचल जाता है। ये मैं एग्री करूंगी। अच्छा, ये सेल्स और ब्रांच की मैं बात करूंगी, उससे पहले मैं कॉलर ले लेती हूं। हमारे साथ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है उर्मिला? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मुझे पहचान लिया? बिल्कुल पहचान लिया, आप हमारी रेगुलर कॉलर हैं परवीन मसूद साहिबा। हाँ जी। अच्छा यार, फजूल खर्ची पे बात कर रही है ना, लाहौर वाले ठेले इतनी लगाते हैं कि घर के लिए बच्चे की भी होती। अच्छा, अभी हम मर्दो औरत में लड़े थे, अब कराची लाहौर में भी बहस शुरू हो गई। ये कराची से है ना? लाहौर में तो बहुत सेले लगती है ना, बचत ही नहीं होती। और वो औरतें जो है ना, वो कहती है कि पहले हमें अपनी सेल से फुर्सत मिलेगी तो घर पे तो बचा देंगे। तो कराची में क्या करते हैं आप लोग? मैं ये जानना चाहूंगी। और सफायर की तो अंधी मच जाती है, एक एक औरत 50-50 सूट लेके जाती है। आपसे ये जानना है कि आप फजूल खर्च है या आपको कफायत शुमार है? मैं जगह देख के खर्च करती हूँ, कौन सी जगह पे खर्च करना है और कौन सी पे नहीं करना। अच्छा, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप अपना हाथ कंट्रोल कर सकती हैं? जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ। भाई वो तो शौक तो पूरा ही नहीं होता, जितनी मर्जी चीजें खरीद लो। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग परवीन मसीद साहिबा, बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, उन्होंने निकाह डॉक्टर जी अभी भी आप भी बात कर रही थी, किस खवातीन की जो शॉपिंग वाली अभी अमरीन भी कह रही थी, आदत भी होती है कुछ का, शौक भी होता है, कुछ बिल्कुल इस चीज से नहीं करती हैं और कुछ बहुत ज्यादा करती हैं, तो शौक भी एक बयाना रवि के साथ पूरा किया जाए तो मेरे ख्याल से। आप देखो ना, अब देखो सेल्स के एक बुरी बात तो ये कि ठीक है, हम कभी कभी अपनी जरूरत से ऊपर खर्च कर देते हैं, लेकिन आप ये देखो कि हर दफा ऐसा नहीं है। हम जिस मौसम में रहते हैं, जैसे लाहौर, आप पूरे पाकिस्तान की बात कर लें, तो अगर बाज़ औरतें अब जमा करके रखती हैं और उसमें ये होता है, देखो अगर 50% ऑफ 30% ऑफ है तो वही चीज़ आपकी सिलाई में चला जाता है। तो अगर वो ख़वातीन कुछ सूट लेके रख लेती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होते रहते हैं, तो एक तरह से ये बेहतर भी होता है कि ख़वातीन को, देखो पहले एक ज़माने में ये था कि जो आपके सूट्स होते थे डिज़ाइनर्स, हाँ। तो ये आप ख़रीद ही नहीं सकते थे, लेकिन ये कि अब उन्होंने एक रेंज बना दी, 800 में कुर्ता है, 1200 में है, 5 में है, 14,000 में है, तो वो जैसे कॉलेज जाने वाली बच्चियाँ होती हैं, तो वो ये कि वो भी ये कह सकती हैं कि मैंने फलां फलां ब्रांड सफायर, जो भी नाम लेने का पता नहीं है, लेकिन जो भी है वो कह सकती हैं कि हमने पहना हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि एक तरह से यूनिवर्सिटीज में भी कॉम्पिटिशन बात बन गई है, ये बात बन गई है कि आप आपका कपड़े नहीं, आप बहुत ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, अगर हमने नॉर्मल ब्रांड भी पहना हुआ है तब भी आपको कॉन्शियसनेस। और दूसरी बात है कि वो बिल्कुल फैशन, अब जो नया फैशन चल रहा था उसके मुताबिक होता है, तो सब लड़कियां जो ना बड़ा कंफर्टेबल, मेरी बेटियां हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हमने ये पहना है, ऐसा ट्राउजर होना चाहिए, जैसा वो सोचती हैं या जैसा वो टीवी पे देखती है, वो उनको वहाँ पे सेल में मिल भी जाता है, अवेलेबल भी होता है। लेकिन उसका एक मतलब आई गेस इसका एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो एज अ जो कॉन्सिक्वेंस मुझे देखने को मिलता है, अगेन आई विल रेफर टू माई क्लिनिकल केसेस, बिकॉज हमारा वी स्पेंड मोर टाइम इन क्लिनिक, इससे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज्यादा पैदा होता है। वी शुड नॉट बी दैट मच ब्रांड कॉन्शियस। आई हैव सीन मैन, अगर आई थिंक जो हमारा जो क्रू है, जो कैमरामैन है, दे विल एग्री टू दैट, कि अगर इनकी कबर्ड के अंदर दो या तीन जीन्स, दो तीन पैंट्स और कुछ शर्ट्स पड़ी हुई हैं, तो दे आर सैटिस्फाइड विद दैट, वो जो सैटिस्फैक्शन है ना, और वो जैसे कहा जाता है कि फीमेल्स हैं, दे सीक मोर, वो कहते हैं ना दिल मांगे और, वो जो दिल मांगे और है ना, उसको हमें थोड़ा सा जरा कंट्रोल करना है। तो मैं बिल्कुल औरतों के अगेंस्ट नहीं बात कर रही, लेकिन हमें सबसे पहले हमें ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना। मैंने इस पे एक पूरा प्रोग्राम किया था ब्रांड कॉन्शियसनेस पे, और खवातीन जो कॉल भी करी थी उनका भी होता था कि मजबूरी है हमारी, हमें होना पड़ता है। अगेन दे गेट इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अभी भी आज सुबह देखें कि व्हेन द लेडीज वर अराउंड, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द क्लोथ्स एंड ऑल द शूज एंड एवरीथिंग, आपने कौन से डिजाइन का पहना, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कि दिस इज समवेयर, जब ये एक व्हेन इट एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट देन दिस इज नॉट फाइन, बिकॉज कॉलेज के अंदर आप देखें देयर इज अ गुड ब्लेंड, some are coming from low socioeconomics, majority is from mediocres, and the some is from the elite class. अगर वहाँ पर इतना हो जाएंगे, तो आई हैव सीन माई स्टूडेंट, सिंस आई एम एन एजुकेशनिस्ट एज वेल, आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स के अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का वो शिकार हो जाते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द मोबाइल फोन्स एंड द, मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म्स होना चाहिए। आई स्पेंड सम टाइम इन इंग्लैंड एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद दैट थिंग, ये सेविंग का एक कॉन्सेप्ट के, फॉर एग्जाम्पल
अगर हम प्रोफेशनल ड्रेसअप की तरफ आ जाए, फॉर एग्जाम्पल हमारे जितने प्रोफेशन है जस्ट लाइक डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स एंड लॉयर्स का जैसे होता है, तो अगर हम एक प्रोफेशनल ड्रेसिंग की तरफ आ जाए तो इससे हमारी काफी जो है वर्किंग वुमेन के लिए और स्पेशली जो आपने कहा कि हमारी बच्चियां भी हैं तो उनके लिए यूनिफॉर्म्स हो जाए तो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, वो ब्रांड कॉन्शियस और वो इंफीरियोरिटी कॉन्सेप्ट का भी फर्क है। एक मिनट में बात करने से कंटिन्यू, एक कॉलर ले लेते हैं समन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ समन, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बहुत प्यारी लग रही है, आपका ड्रेस बहुत प्यारा, आपका हेयर स्टाइल भी बहुत प्यारा लग रहा है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया समन, थैंक यू सो मच। समन आज के टॉपिक के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि आप फजूल खर्च हैं या कफायतवार हैं? मैं कफायतवार हूं, फजूल खर्च नहीं हूं। नहीं फजूल खर्च, मैं फजूल खर्च नहीं कहूंगी, मैं खुले दिल की कहूंगी आपको। आप खुले दिल के हैं या कफायतवार? मैं खुले दिल की वाले को, लेकिन मुझे आपसे सूट का गिफ्ट चाहिए ना, फिर ज्यादा मजा आएगा। ओए होए, अच्छा गिफ्ट चाहिए? अच्छा ये मेरी डिजाइनर का जोड़ा है, मैं उससे पूछ लूंगी, अगर वो आपको गिफ्ट देगी तो मैं जरूर आपको भेज दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग समर, बहुत शुक्रिया। जी सॉरी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी आप फजूल खर्च हैं? मैं अभी आपको बताती हूँ मैं क्या। अच्छा अगर तो मेरे घर वाले शो नहीं देख रहे तो फिर तो मैं कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा फजूल खर्च हूँ, मैं बहुत ज्यादा फजूल खर्च हूँ, मैं नहीं सोचती। अगर मेरे पैसे हैं तो मैं बादशाह हूँ, मैंने लुटा देने जब तक वो एंड पे जीरो क्रेडिट। अभी आप सिंगल हैं, अब बादशाह एंजॉय कर सकती हैं। एग्जैक्टली, ये पर्क्स मेरे हैं कि मेरे पे कोई लायबिलिटी नहीं है, तो जो मैं कमाती हूँ वो मैं अपने पे लगा लेती हूँ, कपड़ों पे, जूतों पे, और कभी नहीं वैसे घर वालों पे भी ये होता है कि बच्चे मेरे घर में माशाल्लाह इतने ज़्यादा है कि उनके साथ मेरी सारी कवायशवारी निकल जाती है, एक बार उनको शॉपिंग पे ले जाओ सब खाली हो जाता है, तो ये मेरा भी एक नॉर्मली प्रैक्टिस है। तो समन को जनाब वो कहती हैं कि वो कवायशवार खुले दिल के। अच्छा डॉक्टर जुबेरिया, अभी आप कुछ कह रही थी कि हम जब अमरीन ने जो बात की कि बच्चों में ब्रांड कॉन्शियसनेस कॉलेज यूनिवर्सिटी में बात, यहाँ पे बात करना चाह रही थी। देखो पता है क्या है, पहले शुरू में ऐसा होता था कि कुछ कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेज को क्यों लोग डिफ्रेंशिएट करते थे, देखो स्कूल में आपने 10-12 साल यूनिफॉर्म पहना है, अब उसकी जब बच्चियाँ कॉलेज में जाती हैं तो फिर वो एक कुछ पेरेंट्स में ऐसा होता है कि जब बच्चियाँ लोगों में उठती बैठती हैं कॉलेज जाएंगी तो थोड़ी सी ग्रूमिंग हो जाती है, तो उसमें ये होता है कि बच्चों को के यूनिफॉर्म ना हो। बात सिर्फ यही है कि आप जैसे कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो ज़रूर डेवलप हो जाता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा बच्चियाँ भी सीख जाती हैं कि हमने किसी को अगर अच्छा देखा है तो हमने उसके पीछे नहीं भागना, और अगर एक बच्ची अच्छे और उसने देखा कि मेरी फ्रेंड ने कम अच्छे कपड़े पहने हुए तो मैंने जो है बिल्कुल जो है उसकी मदद भी कर देनी और उसको बुरा भला नहीं कहना, इसलिए एक जो चीज़ थोड़ी सी कभी सोच कर फर्क आता है ना तो मेरे ख्याल है वो भी बच्चियाँ सीख लेती हैं। हाँ, लेकिन आज हम आई गेस हमारी डिस्कशन इज मोर गोइंग टुवर्ड्स दी फैशन एंड द ग्रूमिंग व्हेन इट कम्स टू द सेविंग्स, तो मेरा ख्याल है कि सेविंग हमेशा जो कॉन्सेप्ट, सॉरी टू कट यू, बिल्कुल कि सेविंग हमेशा इस्लाम ने कहा है कि जो आपकी लेस से जितनी भी आपकी अमाउंट है उसमें से आप कर लें कि मैंने 2% या 5% सेव करना है। मैं एक टिप देना यहाँ पे चाह रही हूँ मेल्स को यहाँ पर कि वो जितनी भी उनकी सैलरी है कभी घर में पूरी सैलरी ना बताए, कभी घर में पूरी सैलरी ना बताए। नो दैट्स द साइकोलॉजी ऑफ वी प्ले विद द माइंड्स वी हैव सीन, क्योंकि उन्हें पता होगा टोटल इतना इनकम आ रहा है, वो टोटल कहीं ना कहीं आपकी निकल आती है जरूरियात, तो अगर उनको ये हो कि हमने अपनी सैलरी का 5% जो है वो हमने बचा के रखना है, इसी तरह विमेन अगर उसमें से जो उनको मिल रहा है उसमें से 5%, पता होता क्या है समटाइम्स जब बच्चों को भी पता है ना इतना आ रहा है तो उनकी भी नीड्स बढ़ती जाती हैं, अब नीड्स भी कितनी होनी चाहिए यू सी, तो उसमें मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आपका 5% मैन इज सेविंग एंड 5% द वुमेन, जैसे आपने कहा यू आर अ मदर ऑफ डॉटर्स, सो वो उस लिहाज से भी अगर आप सेविंग करेंगी तो यू फील सिक्योर। देखो घर में क्या होता है कि मैं तो हम आम लोगों में ज़्यादा उठते बैठते हैं हर तरह के लोगों में, अब ये होता है कि ख़वातीन, आपने देखा होगा पहले सिर्फ नीचे के तबके में था, मिडिल में था, अपर में भी चला गया, वो इस तरह से होता है कि एक कमेटी डाले थे, अब वो बेचारी ख़वातीन का दिल इतना अच्छा, एक पाकिस्तानी औरत का होता है कि बेटे ने खर्चा मांग लिया, मियाँ को कोई जो तो फ़ौरन अपनी लगी बंदी जितनी उसने जमा की होती है वो पकड़ा देती है और वो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं करती हमसाई को, अब ये होता है कि वो कमेटी डाल के अपना खर्चे में से निकाल के पूरा के भी इतना मुझे बजट मिलेगा तो मैं अपनी बेटी की शादी में डाल दूंगी, मैं अपने बेटे को मोटर बाइक ले दूंगी, या फला उसका कॉलेज में एडमिशन आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तानी खवातीन है वैसे बहुत इन जनरल बहुत समझदार है और उनके पास उस समझदारी से बाहर निकलने की गुंजाइश भी बहुत कम है। ये कमेटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारे फोरम्स पे, ना सिर्फ ये मिडिल क्लास की बात नहीं है, मैं एलीट क्लास में भी कॉन्सेप्ट देखा है। एलीट क्लास तो देखे ना, एक डायमंड का सेट देखा हुआ है, एक कार और ले लेनी है, उनकी रेंज भी ज्यादा है, किटी पार्टीज हो गई है,
लेकिन जो मैं दरमियाने तबके और नीचे की बात करी वो उन खवातीन अपनी ज़रूरत के लिए रखती हैं। तो जो तबका आप बात करें ना इलीट क्लास, दैट इज नॉट इवन 2-3%। द 60-70% इज द मिडिल क्लास, अपर मिडिल एंड लोअर मिडिल। वो पॉइंट आई थिंक 0.85 है, बिल्कुल। 80% को कवर करना है जो उनको बेसिकली जो है वो कर रहा है। तो जैसे आपने कहा कि खवातीन को, हाँ मैं एक लिहाज से जरूर खवातीन को ये अप्रिशिएट करूंगी कि जितने हमारे यूटिलिटी बिल्स और जो एजुकेशन जितनी एक्सपेंसिव हो चुकी हुई है उसमें मेरा ख्याल है कि वो बहुत मुश्किल से ही कुछ अपनी वांट्स या डिजायर्स जो है वो करती होंगी। एंड डेफिनेटली दे शुड डू द सेविंग एंड दे कैन स्पेंड दैट मनी ऑन देयर पर्सनालिटी ग्रूमिंग। पूछ के देखें ना तो बताएंगे कि देखो मेरा ये दिल चाह रहा था, ये दिल चाह रहा था, ये मैंने सब नहीं किया।